देश भर में नवरात्रि की धूम देखी जा रही है, जगह जगह नवरात्रि की पूजा की जा रही है। आज नवरात्रि का नौवां दिन है, कंजक पूजा भी की जाती है, कहीं कहीं अष्टमी को कंजक पूजा की जाती है, कहीं नवमी को कंजक पूजा की जाती है। और इसके साथ ही नवरात्रि का कल समापन हो जाएगा, कल दशहरा का त्यौहार भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले देश भर में जिस तरह से नवरात्रि की धूम देखी जा रही है, क्या कुछ स्थिति हरियाणा में है, किस तरह से पूजा की जा रही है, किस तरह से नवरात्रि की धूम देखी जा रही है, हम सीधे रुख करते हैं हरियाणा का। हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं प्रवीण आहूजा। प्रवीण, क्या कुछ तस्वीर हरियाणा की नजर आ रही है, क्योंकि नवरात्रि का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है, आज कंजक पूजा की जाती है, हरियाणा की क्या कुछ तस्वीर है और किस तरह से पूजा मनाई जा रही है? शुभकामनाएं और बधाइयां देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि आज पूरे भारतवर्ष के अलावा पूरे विश्व में भी अब तो वहां भी ये जो संस्कृति है हमारे देश की, उसको भी वो लोग अपनाने लगे हैं। उनका कहते हैं, तो उनका कहना है कि जो नौ देवी दुर्गा का रूप है, इनकी नौ देवी नौ दिन तक लगातार जो घरों में नित्य नियम से जो ज्योत जलाई जाती है, नित्य नियम से पाठ पूजा की जाती है, उसका माता रानी जरूर उसका फल मिलता है। और ये कटु सत्य भी है, और जो माता रानी के नाम का जाप करता है, या जो कहे जो माता रानी के नाम का आराधना करता है, उसकी तमाम जो मुरादें हैं वो भी पूरी होती है। तो लेकर पूरे विश्व में भी अब इसका डंका बजने लगा और लोग वहां भी पूजा करने लगे हैं। और भारतवर्ष की तो ये संस्कृति है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा देश जो है वो देवों का स्थान है, यहाँ पे देव भूमि भी है, और यहाँ तमाम जो देवी देवताओं की उनकी आराधना की जाती है, क्योंकि हमारी यहाँ जो सबसे पहले संस्कृति है वो देवी देवताओं की आराधना करना। कोई भी शुभ काम होता है सबसे पहले पूजा पाठ होती है, तभी ही हम कोई ना कोई काम संपन्न कर पाते हैं। तो नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्रों को लेकर शुरुआत जो हुई थी उससे पहले तमाम जितनी हमारी महिलाएं हैं, तमाम पूरे घरों को मंदिरों को सजाने का काम किया गया था, क्योंकि नौ दिन जो है ये बड़े शुभ माने जाते हैं। इस दिन जो पूजा की जाती है उसकी जो आराधना होती है हमेशा सफल होती है। सबसे बड़ी बात है कि गुजरात में देख लीजिए कि नौ दिन लगातार गरबा चलता है। हरियाणा की बात कर लेते तो हरियाणा की जो महिलाएं इसे बड़े उत्साहपूर्वक इस उत्सव को मनाती है, क्योंकि नौ दिन उनको एक मौका मिलता है मां की सेवा करने का। तो ये तमाम जो चीजें हैं, और अब तो फिलहाल प्रवीण के साथ हमारा संपर्क टूट गया है। हम तस्वीर आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से मां की पूजा धूमधाम से की जा रही है, हरियाणा में भी तस्वीर कुछ इसी तरह से बनी हुई है, कंजक पूजा की जाती है। देखिए, नौ दिन मां के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, और इस तरह एक के बाद एक आज मां सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। कल अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा की गई थी, और आज कन्या पूजन की जाती है, और इसके बाद नवरात्रि का जो ये नौ दिन का त्यौहार है धूमधाम से समापन की ओर बढ़ जाता है। एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, आप पूरे डिटेल्स इसकी जानकारी दे रही थी कि किस तरह से नवरात्र की धूम देखी जा रही है हरियाणा में। आप जहां अभी खड़े हैं, क्या वहां पर पीजे पूजा पाठ हो रही है, क्या लोग वहां जुटे हुए, उनसे बात करने की कोशिश करिए कि किस तरह से नवरात्रि का त्यौहार मना रहे हैं। और आज क्योंकि कंजक पूजा है, नवरात्रि अब समापन की ओर बढ़ गया है, कल दशमी है, विजयदशमी है, तो आज किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं और कल के लिए उनकी क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए प्रिय, सबसे पहली बात तो ये बता देना चाहते हैं कि आज देवी विसर्जन भी होगा, जो नौ दिन लगातार लोगों ने अपने घर में माता रानी की पूजा करी है, तो उसके बाद विसर्जन की एक प्रथा है, परंपरा है, उसको भी निभाया जाएगा। क्योंकि जहां भी जलाशय है या वो तालाब है जहां साफ स्वच्छ पानी है, या बहते पानी में तमाम जो मूर्तियां हैं जिनकी आराधना की जाती है, क्योंकि ये जो मूर्तियां होती हैं ये विशेष प्रकार की मिट्टी से बनाई जाती हैं, क्योंकि जो भी मिट्टी की मूर्तियों की आराधना होती है वो पूरी सफलता होती है और उसका फल जरूर मिलता है, ये शास्त्रों में भी इसका वर्णन किया हुआ है। तो तमाम जो मूर्तियां उनका विसर्जन भी होगा, और बड़ी धूमधाम से अगर हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, तो वहां भी इस तरह से बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे भारत में जो नवरात्र हैं बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। खास करके सबसे बड़ी बात है, मैं अभी जिक्र कर रहा था कि जो पुरुष हैं वो भी पहले कभी इन चीजों को व्रत नहीं रखा करते, अब तो नौ दिन लगातार वो भी उपवास रखते हैं, और खास करके उनके साथ अब बच्चे भी इस संस्कृति को अपनाने लगे, क्योंकि हिंदू जो है जो हमारे तमाम इस जो आस्था को जो रखते हुए इस व्रत को रखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मंदिरों में प्रातः 4 बजे से लेकर रात के, यानी कि नवरात्र जो होते हैं वो रात्रि का जो भजन और कीर्तन जो आराधना होती है उसका एक विशेष महत्व और विशेष फल जो मिलता है। तो नवरात्रों में नौ दिन जो होते हैं रात्रि के समय जो बड़ी धूमधाम से कीर्तन होता है, यूं कहें कि प्रातः 4 बजे से लेके
रात तक तमाम मंदिरों में पूजा पाठ और जय जयकार होती है। और तमाम जो लोग हैं, ये साल में दो बार नवरात्र आते हैं, शारदीय नवरात्र होता है, ग्रीष्म ऋतु नवरात्र आते हैं, तो इसकी जो इंतजार होती है वह तमाम भक्तों को बड़ी बेसब्री से इंतजार होती है कि नवरात्र आएंगे और माता रानी की सेवा करेंगे और माता रानी सब पर कृपा बसाएगी। तो उसको लेकर एक और खुशी की लहर है कि अभी चुनाव ही संपन्न हुए हैं, तो तमाम जो प्रत्याशी थे के परिवार के लोग थे वो लगातार 20-30-35 दिन तक चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, लेकिन उनकी महिलाएं इंतजार कर रही थी कि जैसी मतगणना के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो हम अपने घरों को अपने मंदिर को फिर से सजाएंगे। वो तमाम वो परिवार के लोग, उनकी महिलाएं हैं, वो फिर से अपने घरों में जुट गई हैं और उनके घर जाकर देखता तो तमाम घरों में आज पूरी तरह से जो कन्या पूजन हो रहा है, सबसे बड़ी बात है कि छोटी छोटी 9 कन्याओं को बुलाकर लाया जाता है और उन्हें बड़े विशेष रूप से उनके चरण धोए जाते हैं और उनकी आरती की जाती है। आरती के पश्चात उनको जो भी आपके पास मेवा का फल है उनको भोग लगाया जाता है। भोग के बाद उनके जो आपके घर में जो भी मिष्ठान बनाया है, जो भी प्रसाद बनाया है, उनका भी उन देवी के रूप में जो 9 कन्याएं आती है उनको भी भोग भी लगाया जाता है और उसके पश्चात माता रानी के जो छोटे-छोटे रूप में देवियां आती हैं उन्हें दक्षिणा देकर उनके चरण छूकर तमाम परिवार के जितने भी लोग होते हैं वो सभी लाइन में खड़े होकर जब उनको विदा करते हैं तो तमाम जितने भी ये देवियों के रूप में कन्याएं आती हैं उन सभी के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि हे देवी आप 9 दिन तक आई हैं तो इस तरह से आप हमारे घर में जा रही हैं, विदा हो रही हैं तो बरकत और भंडार देकर जाए। तो इसी आस्था के तहत जो ये है इस तरह का ये उत्सव मनाया जाता है और इसके बाद कल दशहरे का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, उसको भी लेकर तमाम पूरे हरियाणा में कई जगह बड़ी धूमधाम से इस उत्सव को मनाया जाता है। तो तमाम उसकी भी तैयारियां पहले से एक महीने से पहले रावण बनाने शुरू हो गई थी क्योंकि ठीक नवमी के बाद दशहरे का उत्सव आता है तो उसको भी जो है बड़ी उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। तो उसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के बाद जो प्रत्याशी जीत कर रहा है उनके लिए ये दशहरा काफी शुभ भी माना जा रहा है। इसके बाद 20 दिन के बाद पूरे हिंदुस्तान में एक महा उत्सव यानी पंचोत्सव यानी कि दीपावली 5 का ये उत्सव होता है। इससे बड़ा त्यौहार पूरे हिंदुस्तान में ना कभी हुआ था ना होता है। प्रवीण, कल दशहरा का त्यौहार हरियाणा में कितनी धूमधाम से मनाया जाएगा? जी बहुत जबरदस्त तैयारियां चली हैं। एक महीने पहले से ही जहां रावण दहन का कार्यक्रम होता है वहां पर रावण बनाने के जो कारीगर हैं वो एक महीना पहले से ही पहुंच जाते हैं और लगातार वहां पर कार्रवाई शुरू रहती है और लाखों रुपए खर्च करने के बाद वो जो पुतले शुरू बनाए जाते हैं जो रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण 3 पुतले बनाए जाते हैं और उनका जो दाह संस्कार होता है जिन्हें कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत को ही दशहरे का उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो उसी उत्सव को मनाने के लिए जो कई शहरों में बड़ा ये दशहरे का उत्सव बहुत ज्यादा मशहूर है, हजारों से लेकर लाखों की संख्या में लोग वहां दशहरे उत्सव में पहुंचते हैं और उसके सबसे बड़ी बात एक और है तो उसकी तैयारी जो है वो प्रशासन पहले से देख रेख में की जाती है और कल शाम होते होते जो दशहरा उत्सव जो रावण के पुतले में आग लगाई जाएगी तो एक बड़ा उत्साह होता है, खास करके जो बच्चे हैं जो परिवार के लोग वहां भीड़ में जाते हैं वो अब उनको जाकर बताते हैं कि ये रावण जो जलाया जा रहा है जो तीनों पुतलों का दहन होगा तो उसके पीछे कोई ना कोई एक महत्व है, एक इतिहास जो है, क्या कुछ इतिहास रहा है, पौराणिक कथाओं का क्या कुछ मान्यता है, ये कहीं ना कहीं पूजा के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को भी पता चलता है, उनके बारे में बताया जाता है ताकि उन्हें जानकारी मिल सके कि हमारी पौराणिक कथाएं क्या क्या जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में इसे विशेष महत्व के रूप में देखा जाता है। खैर, हरियाणा की तो आपने तस्वीर बताई कि किस तरह से पूजा पाठ की जा रही है और कल दशहरा को लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण आपका। तो नवरात्र का त्यौहार चल रहा है, आज नवमी है और इसके बाद नवरात्र का अंत हो जाएगा, यानी कह सकते हैं नवरात्रि पूजा का समापन हो जाएगा। वैसे तो पूरे अगर हम देश की बात करें तो देश में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा धूम की बात करें तो सबसे ज्यादा धूम 2 बार ही नवरात्रि में देखने को मिलती है। चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र की धूम सबसे ज्यादा रहती है। 2 गुप्त नवरात्रि भी आती है, शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि ये नवरात्रि कब हो और इसकी पूजा कब करनी चाहिए, लेकिन अगर शारदीय नवरात्र की बात चल रही है तो शारदीय नवरात्र की धूम तो देश भर में देखने को मिलती है। आज नवमी का त्यौहार है, कंजक पूजा के साथ नवमी का उद्यापन यानी समापन हो जाएगा, दशहरा की तैयारी भी धूमधाम से चल रही है। हरियाणा की तस्वीर तो हमने दिखाई, अब हम रुक कर रहे हैं बिहार का। बिहार में दुर्गा पूजा का
खासा महत्व है। बहुत ही धूमधाम से दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। लोग जगह जगह पर पंडालों में जाके माँ के दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माँ का आशीर्वाद लेते हैं। बिहार की तस्वीर क्या कुछ बनी हुई है, हम ये आपको आज दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से पूजा पाठ जो है किया जा रहा है। तो बिहार की तस्वीर क्या कुछ बनी हुई है ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन बता दे रहे उससे पहले कि किस तरह से नवरात्रि की धूम देखी जा रही है। हरियाणा की तस्वीर तो हमने दिखा दी, इसके साथ ही देश के अलग अलग कोनों में इसी तरह की धूम है। भले ही पूजा पाठ करने का तरीका अलग हो, लेकिन ये शारदीय नवरात्रि की धूम देश भर में देखी जाती है।